नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, BHU वेटनरी काउंसलिंग 2023 के रिगार्डिंग आप सभी के लिए अपडेट है। आपकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि रिजल्ट पब्लिश हो चुका है और धीरे धीरे जो है सभी स्टूडेंट को अलॉटमेंट आने शुरू हो गए हैं ना। तो आप लोगों ने हो सकता है चेक भी किया होगा और काफ़ी सारे स्टूडेंट को आप में से सीट अलॉट भी होगी। जिसको भी सीट अलॉट हुई है सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी फाइनल फिलहाल गाइज अपडेट ये है कि आपकी जो काउंसलिंग है BHU की वेटनरी की वो कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट जो 85% जो सीटें थी BHU की वो कंप्लीट फिल हो चुकी है। अभी जो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स है उसके लिए BCA काउंसलिंग करा रहा है, ठीक है। लेकिन BHU की जो 85% जो खुद की सीटें थी वो फिल हो चुकी है, उसके लिए काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास जो है फाइनल कट ऑफ आ चुका है, ठीक है। क्या रहा है फाइनल कट ऑफ और कितने मार्क्स पर, कितनी ऑल इंडिया रैंक पर आपको कॉलेज मिला है, सभी कैटेगरी में आपको बताऊंगा। तो अभी आप जैसे मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में, जैसे आप लोग चेक करेंगे अपना डैशबोर्ड लॉगिन करके तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा रिजल्ट पब्लिश लिखा हुआ आ रहा है ना, रिजल्ट पब्लिश लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने बताया भी था आप लोग चेक करते रहिए रेगुलर अपने लॉगिन करके, और साथ ही आप मैसेज वगैरह आपके वो BHU की तरफ से मिल जाता है। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपको BHU की तरफ से मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाता है कि आपको सीट अलॉट हुई है, आप लोग एडमिशन के लिए फीस डिपॉजिट कर दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से काउंसलिंग का प्रोसेस लगभग जो है 15 से 20 दिन चला और यहाँ पर जो है फाइनल हमारे पास कट ऑफ आ चुकी है, क्योंकि जो जितनी भी सीटें थी कैटेगरी वाइज सारी सीटें फिल हो चुकी है और हमारे पास फाइनल कट ऑफ आ चुकी है। तो उसके बारे में आपको वीडियो में बताऊँगा। तो आप लोग जो है अभी वेट करना बंद कर सकते हैं क्योंकि काउंसलिंग कम्प्लीट हो चुकी है। जैसे हमारे पास अलॉटमेंट लिस्ट आएगी मैं आपको टेलीग्राम से प्रोवाइड कर दूंगा। अभी फाइनल जो कट ऑफ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कैटेगरी वाइज क्या रहा है, ठीक है। तो BHU की जो फाइनल कट ऑफ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक और कितने मार्क्स ओपनिंग पे और क्लोजिंग पे रहे हैं, कितनी मार्क्स कट ऑफ रही है वो भी आपको मैं बताऊंगा, और ऑल इंडिया रैंक कितनी रही है ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको सभी को यहाँ पर देता आ रहा हूँ, लगातार आगे भी देता रहूँगा वेटनरी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो नीट की भी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देता रहूँगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। जिन भी सबसे पहले तो जिनको भी कॉलेज मिला उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको भी BHU में कॉलेज में एडमिशन मिला है सभी लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, एंड विशेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर्स। और जिसको नहीं मिला उनको और काउंसलिंग के थ्रू BCA काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिले ऐसा मेरा विशेष है, ठीक है। आप सभी को भी कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज बढ़िया वाला, ठीक है। तो मैं आप सभी के लिए विशेष करता हूँ, बेस्ट विशेष है आप सभी के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप देख सकते हैं कट ऑफ जो मार्क्स वाइज है बच्चों वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऑल इंडिया रैंक वाइज मैं आपको बताता हूँ चलता हूँ साथ में, ठीक है। सबसे पहले मार्क्स वाइज देख लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी अगर अपन देखते हैं तो ओपनिंग मतलब कि जो स्टार्टिंग जो था वो 599 मार्क्स पर स्टार्ट हुआ है ना कॉलेज, और जो लास्ट राउंड आते आते जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो 555 मार्क्स पर अलॉट हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में। तो 555 यहाँ पर कट ऑफ रही है, क्लोजिंग कट ऑफ, ठीक है, आप इसको फाइनल कट ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है। फाइनल कट ऑफ 555 मार्क्स रही है अनरिजर्व कैटेगरी में। EWS कैटेगरी में ओपनिंग जो कट ऑफ थी वो 543, यानी फर्स्ट जो कैंडिडेट EWS का है वो 543 पर था जिसको कॉलेज मिला है, लास्ट जिस नंबर पे कॉलेज मिला है EWS कैटेगरी में वो है 530 मार्क्स, ठीक है। 530 मार्क्स पर लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है। अभी ऑल इंडिया रैंक भी मैं आपको बताऊंगा आगे कितने कितने ऑल इंडिया रैंक पर मिला है। OBC कैटेगरी बात कर लें बच्चों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 555 मार्क्स पर स्टार्टिंग, मतलब जो है 555 मार्क्स पर स्टार्टिंग हुई है, यानी कि 551 मार्क्स पर पहले कैंडिडेट को सीट मिली है और 540 नंबर पे लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है OBC कैटेगरी में, 540 मार्क्स रही है कट ऑफ। SC कैटेगरी की बात करें तो 454 मार्क्स पर, ठीक है, कॉलेज मिला है फर्स्ट, ठीक है, पहली सीट इनको मिली है और 419 नंबर पर, 419 यानी 419 मार्क्स पर यहाँ पर लास्ट सीट मिली है SC कैटेगरी में। ST कैटेगरी बात करें तो 398 यहाँ पर स्टार्टिंग कट ऑफ रही है ओपनिंग कट ऑफ, और 363 मार्क्स पर लास्ट सीट अलॉट हुई है, ये इसका क्लोजिंग कट ऑफ रहा है मार्क्स वाइज, ठीक है। अब मैं ऑल इंडिया रैंक वाइज आपको बता चलता हूँ। तो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें बच्चों तो यहाँ पर 29,000 जो है ओपनिंग रैंक रहा है, ठीक है, और क्लोजिंग रैंक बताऊँ तो 60,000 रही है कट ऑफ, ठीक है, 60,000 के अराउंड कट ऑफ मिली है। एग्जैक्टली जो है हमारे पास लिस्ट आएगी तो मैं आपको उसमें बता दूंगा, लेकिन अभी आपको जो इंटरनल सोर्सेज हैं BHU की तरफ से उनकी तरफ से मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो 60,000 यहाँ पर कट ऑफ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक, ठीक है। EWS की बात करें ओपनिंग ऑल इंडिया रैंक कितना रहा है EWS में, जो है 70,000 ओपनिंग रैंक रहा है ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें EWS में क्लोजिंग रैंक कितना रहा है तो 82,000 रहा है, 82,000 आप 81,000 मान सकते हैं, इतने मार्क इतने ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट कॉलेज मिल गया, ठीक है।
ओबीसी कैटेगरी में अगर बात करें तो बच्चों ओबीसी कैटेगरी में 60,000 ओपनिंग रैंक रहा है। 60,000 पे पहले राउंड में सीट मिल गई और लास्ट राउंड आते आते यानी काउंसलिंग क्लोज होते होते 72,000 यहाँ पर कट ऑफ चला गया। ओबीसी कैटेगरी का 72,000 कट ऑफ रहा है फाइनली। ठीक है, बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 1,58,000 ऑल इंडिया रैंक पर पहली सीट मिली है और यहाँ पर जो है लास्ट जो सीट मिली है 2,03,000 रैंक पर। 2,03,000 इसका जो है क्लोजिंग रैंक रहा है एससी कैटेगरी में। बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 2,32,000 स्टार्टिंग कट ऑफ रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग मतलब कि स्टार्टिंग जो है 2,32,000 से हुई है जो पहली सीट मिली है, और जो लास्ट सीट मिली है यानी कि काउंसलिंग क्लोज होते होते जो कट ऑफ रहा है वो 2,90,000 रहा है। 2,90,000 पे लास्ट कॉलेज अलॉट हो गया, लास्ट सीट अलॉट हो गई। ठीक है, तो ये मैंने मार्क्स वाइज एंड रैंक वाइज कट ऑफ बता दी सभी कैटेगरी की बीएचयू की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रहता है बीएचयू, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है पुरानी, हालांकि कॉलेज जो है बैटमिटी का नया ही है। ठीक है, पिछली बार ही इसको वीसीआई काउंसलिंग मिली है, तो सॉरी वीसीआई की जो है शेड्यूल फर्स्ट में आया, तो इस बार से इसने पार्टिसिपेट किया है काउंसलिंग में वीसीआई में, लेकिन कॉलेज नया होने के कारण क्या है ना बीएचयू का नाम बहुत मतलब वैसा है। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू आने वाले सालों में बहुत बढ़ेगी, तो इसलिए इसकी कट ऑफ कंपेटिवली बाकी के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि पुराने हैं उनसे ज़्यादा रहती है ना। आप लोग देख सकते हैं ये फाइनल जो कट ऑफ्स हैं इस साल की 2023 की वो ये रही है। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले सालों में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएचयू में, तो इस तरह से अपनी मेहनत करिए, अच्छे से नीट में स्कोर करिए, ताकि आप लोग भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ें, वेटनरी में एडमिशन लें आप लोग भी। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो पसंद से लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के समय, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।